वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग इतने बेकार हैं वो खुद साधु और संत है और सेवक है बहुत बड़े ऐसा हकीकत में नहीं है आप देखिएगा कुछ दिन पहले जिनको दो दिन पहले नरेंद्र मोदी जी गाली देते थे भ्रष्टाचारी है सत्तर हज़ार करोड़ का घोटाला किया उसको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है दो दिन बाद जो है ई सीबीआई जो है वो भेज दिया जाता है छापे मारे जाते हैं फिर उस नेताओं को भाजपा में ले लिया जाता है और भाजपा में आने के बाद जो है क्लीन चिट मिल जाता है एजेंसियों द्वारा ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड बात करते हैं जो इनको प्रचार तंत्र जो इनका बीजेपी का देता है वही पढ़ते हैं वही बोलते हैं तानाशाही जिस प्रकार से देश में चल रही है जिस प्रकार से घोषित एमरजेंसी लागू कर दिया गया है और चुनाव में जो लोग सत्ता में बैठे चाहते ही नहीं है कि विपक्ष जो है मैदान में रहे और इसके लिए अपनी एजेंसियों को जो है पूरी तरीके से पूरे देश में हर विपक्षी नेताओं के पीछे लगाया जा रहा है ताकि उनको साफ़ मैदान मिल जाए लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि जनता जो है वो असली मालिक है और जनता जो है सब चीज़ देख रही है मुद्दे की बात होनी चाहिए मुद्दा है बेरोज़गारी है महंगाई है गरीबी है और हम लोग भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर मुद्दे की बात करें गरीबों की बात करें किसानों की बात करें नौजवानों की बात करें क्या विकास किया है इस पर वो बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा ना कि घिसी पिटी जो पुरानी बातें हैं वही रटे जा रहे हैं जब से 2014 से लगातार अब तक उन्हीं चीज़ों को दोहराया जा रहा है लगातार वो दिखाना चाहते हैं कि विपक्ष के लोग इतने बेकार हैं वो खुद साधु और संत हैं और सेवक हैं बहुत बड़े ऐसा हकीकत में नहीं है आप देखिएगा कुछ दिन पहले जिनको दो दिन पहले नरेंद्र मोदी जी गाली देते थे भ्रष्टाचारी है सत्तर हज़ार करोड़ का घोटाला किया उसको डिप्टी सी बना दिया जाता है दो दिन बाद जो है ई सीबीआई जो है वो भेज दिया जाता है छापे मारे जाते हैं फिर उस नेताओं को भाजपा में ले लिया जाता है और भाजपा में आने के बाद जो है क्लीन चिट मिल जाता है एजेंसियों द्वारा तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की हो क्या रहा है इस देश में तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोज़गारी का है रामलीला मैदान में भी हमने आंकड़े जो है वो पेश किए थे कि बेरोज़गार सबसे ज़्यादा युवा है उसमें भी जो युवा जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं जो गाँव में बसते हैं वो सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं और ये जो सर्वे आया है कहाँ से सर्वे लाए ये भी बताएँ तो इस पर बात होनी चाहिए मोदी जी दो करोड़ रोजगार की बात करते थे हर साल देंगे क्या हुआ उस वादे का क्या हुआ पिछले चुनाव में चौकीदार थे लेकिन मेहुल चौकसी भाग गए विजय माल्या भाग गए नीरव मोदी भाग गए कौन कौन भागा लेकिन अब उनका मोदी जी जिक्र नहीं करते वो तो भ्रष्टाचारी है ही नहीं मोदी जी के लिए असल में वही परिवार है मोदी जी का तो उसलिए हम लोग जनता के बीच हर जगह पहला रैली पटना में दूसरा बॉम्बे में और दिल्ली में हम लोग जुटे और जिस प्रकार से सिटिंग सी को उठाया जा रहा है तो आप देखिए रहे क्या माहौल बनाया जा रहा है तो लेकिन ये तानाशाही जो है लंबे समय तक चलने वाली नहीं है इसलिए मोदी जी जो मुद्दे हैं उस पर बात करें देश में गरीबी कितनी ख़त्म हुई है लगातार जो है गरीब जो हैं बढ़ते जा रहे हैं इस पर तो ध्यान नहीं दिया जा रहा नौकरियां समाप्त की जा रही हैं सरकारी संपत्तियों को निजी हाथों में दिया जा रहा है आज चीन का बॉर्डर देख लीजिए वो सुरक्षित नहीं है चीन की सेना घुसे जा रही है लेकिन मोदी इस पर कुछ बात नहीं करते महिला पहलवान के साथ ना इंसाफी होती है उन्हीं के पार्टी के लोग करते हैं उस पर एक शब्द नहीं बोलते हैं मणिपुर में महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हुआ दो जो है लड़ रही लेकिन उस पर वहाँ जा के शांति की अपील नहीं कर सकते क्या है? वो उनका ये परिवार नहीं है तो ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्टेड बात करते हैं जो इनको प्रचार तंत्र जो इनका बीजेपी का देता है वही पढ़ते हैं वही बोलते हैं बिहार में सब कुछ ठीक है क्योंकि बताया जाता है कि इंडिया अलायंस एक नहीं चल रही है वो तो, तो गोदी मीडिया का काम है जो मोदी जी बोलेंगे वो बोलेंगे हमारे अलायंस का नाम इंडिया अलायंस है लेकिन मोदी जी बोलते हैं इंडिया नहीं इंडिया अलायंस बोलते हैं उसी को गोदी मीडिया इंडिया अलायंस बोलते हैं नाम तो बोल लो हमारा हम इंडिया अलायंस है इंडिया नाम लेने में शर्माना और डरना किस बात का श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत